हेलो फ्रेंड्स, लर्न वन की वर्ड स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारा वर्ड का जो लुक एंड फील है, जो यूआई है, वो किस तरह से होता है। तो जैसे ही आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको अपने रिसेंटली ओपन फाइल्स दिखेगी, यानी कि जो भी आपने फाइल्स रिसेंटली खोली है, जिन पे आपने वर्क किया है, वो सारी फाइल्स आपको अपने लेफ्ट साइड में दिखेगी। राइट साइड में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं। बेसिकली ये कुछ टेम्पलेट्स हैं। अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ से वो टेम्पलेट्स पिकअप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि बिजनेस, इंडस्ट्री, पर्सनल। तो जिस भी तरह का टेम्पलेट आप चाहते हैं, उस तरह की, जैसे ही आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, तो सारी टेम्पलेट्स उसके हिसाब से फ़िल्टर हो जाएगी। यहाँ पर पहले वो ऑनलाइन सर्च करेगा, उसके बाद आपको टेम्पलेट्स का एक लिस्ट दिखा देगा, जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बैक करना है, तो यहाँ पर लेफ्ट टॉप में आप देख सकते हैं एक एरो है। जैसे ही मैं उसको बैक करता हूँ, मैं वापस अपने उस स्क्रीन पर आ जाता हूँ। अब सपोज़ अगर मुझे नया डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट करना है, तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ। सो ये है हमारा मेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा टाइम निकालेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम सबके बारे में बात करेंगे, पर मैं एक शॉर्ट में आपको सब बता देता हूँ कि जैसे जो टॉप में आपको दिख रहा है, वो है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद नीचे जहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन्स और कुछ मेन्यू टैब्स दिख रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रिबन सेक्शन। रिबन सेक्शन के अंदर हम इंडिविजुअली सारे टैब्स के बारे में देखेंगे, कैसे हम लेआउट चेंज कर सकते हैं, कैसे हम रेफरेंस दे सकते हैं, हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, कैसे हम किसी चीज़ को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। सो आर यू रेडी टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 विथ मी? हियर वी गो। यहाँ पर हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का होम स्क्रीन खुला हुआ है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मुझे कोई अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आप जाइए अपने रिबन सेक्शन के फाइल टैब में। जैसे ही मैं उसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ओपन फाइल का एक ऑप्शन है। अगर मैंने अपनी प्रीवियस किसी फाइल पर वर्क किया है, तो उनका लिस्टिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा विद द प्रॉपर डेट। अगर आपको अपने सिस्टम में से कहीं और से कुछ फाइल्स खोलना है, तो वो भी आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि अभी अगर मान लेते हैं कि हम ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाली फ़ाइल को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर ये फाइल ओपन हो गई। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। आप अपने रिबन सेक्शन में देख सकते हैं, व्यू के जस्ट बाद में टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। यहाँ पर आप जो भी वर्ड से पूछेंगे, आपको वो आंसर देगा। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि आप एकदम नए नए हैं और आपको नहीं पता कि कोई भी फाइल को ओपन कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पर जाइए और लिखिए ओपन। जैसे ही मैं ओपन टाइप करता हूँ, तो आप देख सकते हो सबसे पहले ओपन का एक फोल्डर आ जाता है। इसी तरह से आप दूसरे भी, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप टाइप करेंगे, वो आपको उसका आंसर दे देगा। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है अल्टर एंड क्यू। जैसे ही मैं अल्टर और क्यू टाइप करता हूँ, यहाँ पर कर्सर ब्लिंक होने लगता है। तो आपको जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, या जो भी आपको चीज़ करना है और आपको नहीं पता कि वो कहाँ से होगा, तो आप सिर्फ यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो अभी हमने देखा था कि हम कैसे एक फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको जान के ताजुब होगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पीडीएफ फाइल के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक पीडीएफ फाइल कैसे ओपन करते हैं। आप अपने ओपन टैब में जाइए, उसके बाद आपको कहीं और से अगर कोई फाइल खोलना है, जैसे कि हमने पहले देखा था, यहाँ पर हमारे सामने रिसेंट फाइल्स है, पर ये सारी वर्ड की फाइल्स है। मैं नीचे जैसे ही ब्राउज में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा
जो भी मैंने रिसेंट फोल्डर ओपन किया था वो फोल्डर ओपन हो जाता है, और यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो कि है पीडीएफ फाइल। जैसे ही मैं उसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर लिखा है वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर पीडीएफ इनटू अ एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी पीडीएफ फाइल थी वर्ड उसको एक एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ये आपकी फ़ाइल पर डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की फ़ाइल है, क्योंकि हमारी सिंपल टेक्स्ट की फ़ाइल है तो इसलिए बहुत जल्दी ओपन हो गया। अगर आपकी पीडीएफ फाइल में बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स है, इमेजेस हैं, तो हो सकता है कि इसको यहाँ पर ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगे। तो यहाँ पर ये पीडीएफ फाइल ओपन हो गई। अब अगर आपको यहाँ पर कुछ चेंज करना है, जैसे दिस इज़ वेरी अर्जेंट फॉर रिलीज, हमने यहाँ पर चेंजेस कर दिए, अब मुझे इसे वापस अपनी पीडीएफ फाइल में ही सेव करना है, तो हम जाएंगे फाइल में। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है सेवेस। सेवेस करने पर जैसे ही मैं ब्राउज करता हूँ तो मुझे सेव करने की लोकेशन ओपन हो जाती है। अगर आपको इसको पीडीएफ फाइल में सेव करना है तो सेवेस टाइप में जाके आप पीडीएफ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही हम पीडीएफ को सेलेक्ट करते हैं, नीचे कुछ ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वह है स्टैंडर्ड पब्लिशिंग ऑनलाइन एंड प्रिंटिंग। सो अगर हम उसी को क्लिक करते हैं, और अगर मैं चाहता हूँ कि सेव होने के बाद ये मेरी फ़ाइल ओपन हो, तो यहाँ पर मैं ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग को टिक करके सेव कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इस नाम की फ़ाइल है तो यहाँ पर मुझे एक एरर मिलती है। सो मैं वापस से ब्राउज में जाके इसको कर देता हूँ डैश पीडीएफ, और अब मैं इसको अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी पीडीएफ फाइल सेव होने के बाद ओपन हो गई, और हमने जो चेंजेस किया था दिस इज़ वेरी अर्जेंट फॉर रिलीज, ये भी यहाँ पर चेंज होके आ गया। कैसे कोई नया टेक्स्ट अपनी वर्ड फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं? तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे सामने मोगली स्टोरी करके एक वर्ड फाइल ओपन है, पर हम यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं करेंगे। सो मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल एन, जो इससे हम नई फाइल सेलेक्ट करते हैं, या फिर हमारे फाइल टैब के अंदर न्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास जैसे कि हमने देखा था बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल है, मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक ब्लैंक वर्ड फाइल ओपन हो गई। अब हम यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप अपनी कुछ भी टेक्स्चुअल इन्फॉर्मेशन को रीड राइट कर सकते हैं। उसी के अंदर आज हम देखते हैं कि हम कैसे इसमें टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पेज के ऊपर हमारे पास एक कर्सर ब्लिंक होते हुए दिख रहा है। जैसे ही मैं माउस को उस कर्सर के पास लेके जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे माउस पॉइंटर की तरफ एक कुछ अलग सा एक सिंबल आ जाता है। दरअसल ये एक सिंबल है अलाइनमेंट का। अगर मैं अपने माउस पॉइंटर को सेंटर में लेके जाऊँ तो यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट आ जाता है, और अगर मैं अपने माउस पॉइंटर को एकदम राइट की तरफ लेके जाऊं, तो आप देख सकते हैं वहां पर राइट अलाइनमेंट का एक सिंबल आ जाता है। यही सारे आइकॉन्स आप ऊपर अलाइनमेंट में भी देख सकते हैं। अगर हम रिबन सेक्शन के अंदर, अगर हम होम टैब में हैं, तो यहां पर पैराग्राफ सेक्शन के अंदर हमारे पास कुछ चार तरह के अलाइनमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप किसी के भी ऊपर कर्सर रखिए, वो आपको बता देगा कि वो अलाइन राइट है, उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल और आर, और ये किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर राइट अलाइन करेंगे तो ये हमारे टेक्स्ट को राइट से स्टार्ट करेगा। सो फिलहाल इसे लेफ्ट में रखते हैं और कुछ टाइप करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट की तरफ टाइप किया दिस इज़ माय फर्स्ट टेक्स्ट इन द वर्ड फाइल, क्योंकि ये लेफ्ट अलाइन था इसलिए टेक्स्ट जो है वो मेरे लेफ्ट से स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हैं कि हमारे रूलर के एकदम स्टार्टिंग से ही ये टेक्स्ट आया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद वाली लाइन में जो कुछ भी मैं लिखूँ वो राइट अलाइन आए, तो यहाँ पर आप अपने कर्सर से डबल क्लिक कीजिए तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा एंड दिस इज़ राइट अलाइन।
जो भी कुछ हमने लिखा वो राइट की तरफ से स्टार्ट हुआ और लेफ्ट की तरफ फ्लो हुआ। इसी तरह से अगर आपको कुछ सेंटर में लिखना है तो आप अपने माउस कर्सर को जैसे ही सेंटर ऑफ द पेज में लिख के जाएंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पर सेंटर अलाइन का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कर्सर अपीयर हो जाता है। अब अगर कुछ भी आप लिखते हैं तो वो उसके सेंटर में टाइप होने लगता है। तो इस तरह से आप अपने वर्ड फाइल के अंदर टेक्स्ट को किसी भी फॉर्मेट में कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे इस फाइल को सेव नहीं करना है तो मैं इसे सिर्फ यहाँ से कंट्रोल W का यूज़ करके इसे क्लोज करता हूँ और ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव योर डॉक्यूमेंट, आई से डोंट सेव। सो यहाँ पर हम वापस अपनी स्टोरी पे आ गए। अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग वर्ड के ऊपर से टाइप करना है तो सपोज़ ये शेर खान जो यहाँ पर लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इसकी स्पेलिंग SHER हो जाए, तो मैं इसे डबल क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ और डायरेक्ट इसकी स्पेलिंग टाइप कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने एग्जिस्टिंग वर्ड को सिलेक्ट करके उस पर टाइप कर सकते हैं, या फिर जहाँ कहीं पे भी आपको एग्जिस्टिंग पैराग्राफ या लाइन के बीच में टाइप करना है अपने कर्सर को वहाँ पे पॉइंट कीजिए, क्लिक कीजिए और टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। सो इस तरीके से हम अपनी वर्ड फाइल के अंदर कुछ भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। अब हम कुछ शॉर्टकट तरीके देखते हैं कि हम किस तरह से अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं या तो कॉपी कर सकते हैं। सो जब भी आपको कभी कोई भी वर्ड को सेलेक्ट करना हो तो आप सीधा अपना कर्सर उसके ऊपर ले जाइए और उसे डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने से वो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको कीबोर्ड यूज़ करने की आदत है तो आप कर्सर को एक बार वहाँ पर पॉइंट कर दीजिए। आप अपने कीबोर्ड पर नेविगेशन एरोस को यूज़ कर सकते हैं लाइंस के बीच में मूव करने के लिए, और जब भी कभी आपको किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। आप चाहें तो सिर्फ शिफ्ट और एरोस का यूज़ करके भी वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आपको जिस भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है शेर खान, तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। पूरे को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक करके मैं माउस को ड्रैग करूँगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अलग अलग वर्ड्स ना होकर एक ही वर्ड आ जाए, तो जिस तरह से हमने देखा था इसके ऊपर मैं टाइप करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो हमने दो वर्ड को सिलेक्ट किया और उसी को ओवरराइट करके एक सिंगल वर्ड बना दिया। सपोज़ अगर आपको इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके डिलीट करना है या कॉपी करना है तो उसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट का यूज़ करके डाउन एरो को प्रेस कीजिए विथ शिफ्ट, तो ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो सकता है। दूसरा तरीका ये है, अगर हम अपने माउस पॉइंटर को यूज़ करके किसी भी वर्ड के ऊपर 3 times अगर क्लिक करते हैं तो ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। वापस है 1, 2, 3 एंड ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अब अगर आपको इसे डिलीट करना है, कॉपी करना है, जो भी ऑपरेशन आप यहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हैं, अब ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया है, आप उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट तो कर लिया पर इसे डिसेलेक्ट कैसे करें? अगर आप किसी भी जगह पर अपने माउस पॉइंटर को क्लिक कर देंगे तो ये जो भी आपका सेलेक्टेड सेक्शन है, चाहे वो वर्ड हो या चाहे वो पैराग्राफ हो, वो डिसेलेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये पूरी जगह जो सेलेक्टेड थी वो डिसेलेक्ट हो गई। इसी तरह से अगर आपका पूरा वर्ड सेलेक्टेड है, आप कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो वो डिसेलेक्ट हो जाएगा। पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपने माउस पॉइंटर को बाहर की तरफ मूव करता हूं तो वो एक सिंपल माउस पॉइंटर बन जाता है। जब मैं इस माउस पॉइंटर को क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो आप देख सकते हैं ये जो भी सेक्शन ड्रैग हो रहा है उसको सेलेक्ट करते जाता है। तो इस तरह से आप अपने माउस पॉइंटर को यूज़ करके भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद आपको जिस भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और डिसेलेक्ट करने के लिए कहीं पर भी बाहर क्लिक कर दीजिए।
अगर हमको अपनी वर्ड फाइल के अंदर किसी भी एक कम्प्लीट इंटायर लाइन को सिलेक्ट करना है, तब भी हम अपने माउस पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने माउस पॉइंटर को रूलर के बाहर लेके जाइए और एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हो, वो पूरी लाइन यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी ऑपरेशन हमको परफॉर्म करने हैं, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो टेक योर माउस पॉइंटर आउटसाइड द रूलर एंड क्लिक। अब हम देखते हैं कुछ कॉपी, कट और पेस्ट वाली मेथड्स को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने मोगली स्टोरी का एक वर्ड फाइल ओपन है, पर यहाँ पर मैंने क्या किया है कि कुछ अलग तरीके से फॉर्मेट करके फर्स्ट पैराग्राफ को रख दिया है। हम चाहते हैं कि यहाँ से कुछ चीज़ें कट, कॉपी और पेस्ट करके हम इस वर्ड फाइल के अंदर ट्राई करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कट कैसे करते हैं। सो जब भी कभी आपको, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये द टाइगर रिटायर्स इन एंगर, ये वाले जो भी सेंटेंस है, इसको इसकी जगह पर ले जाऊँ, तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट के हमारे लेक्चर में देखा था, अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अब आप अगर अपने होम टैब के अंदर हैं, अपने रिबन में, तो आप क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर देख सकते हैं एक ऑप्शन है कट। जैसे ही मैं कट के ऊपर अपना माउस लेके जाता हूँ, आप देख सकते हैं कि उसका कीबोर्ड शॉर्टकट और उसका डिस्क्रिप्शन दोनों यहाँ पर दिखाता है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो वो लाइन वहाँ से गायब हो जाएगी। गायब होकर वो कहीं जाती नहीं है, बल्कि वो इस क्लिपबोर्ड सेक्शन में स्टोर हो जाती है। क्लिपबोर्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपके सारे कॉपी, कट वाली चीज़ें स्टोर होती है। सो जैसे ही मैंने उसको कट किया, तो आप देख सकते हैं नीचे की एक लाइन ऊपर आ गई। अब मुझे यहाँ पर वो लाइन को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए भी हम अपने क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन में जाएं, तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर करता हूँ, तो इसका सबसे ईजी शॉर्टकट जो कि है कंट्रोल वी, वो दिखाता है। उसके नीचे आप देख सकते हैं एक छोटा सा एरो है। जैसे ही हम उस एरो पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर उसके तीन ऑप्शन हैं, जैसे कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग और कीप टेक्स्ट ओनली। तो ये जैसे जैसे हम इसके ऊपर होवर करते हैं, वो उसकी फॉर्मेटिंग को उसके हिसाब से एडजस्ट करके दिखाता है। तो जैसे ही मैं पेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हो कि वो पेस्ट हो गया, पर ये उसी फॉर्मेट में हुआ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, तो यहाँ पर एक कंट्रोल ऑप्शन आ गया। ये बेसिकली वही वाले पेस्ट ऑप्शन है। अगर आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर पेस्ट के जितने भी ऑप्शंस पॉसिबल है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग, डेस्टिनेशन स्टाइल या फिर कीप टेक्स्ट ओनली, तो हम कीप टेक्स्ट ओनली को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने अलग अलग लाइन को एक सिंगल लाइन में मर्ज कर दिया यूजिंग कट एंड पेस्ट। अगर सपोज़ हमको पूरा पैराग्राफ स्विच करना होता, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये वेन फादर वाला पैराग्राफ द टाइगर रिटायर्स वाले पैराग्राफ से स्विच हो जाए, यानी कि दोनों की जगह जो है वो इंटरचेंज हो जाए, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने देखा था, अपने मार्जिन सेक्शन में अगर हम डबल क्लिक करेंगे, तो वो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता है। अब आपके सिलेक्टेड पैराग्राफ को जैसे ही आप ड्रैग करके नीचे लेके आओगे और जहाँ पर भी आपको रखना है वहाँ पर छोड़ोगे, तो आप देख सकते हो द टाइगर रिटायर्स इन एंगर ऊपर चले गया और वेन फादर वुल्फ जो था वो नीचे आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने सेलेक्ट करके उस चीज़ को ड्रैग करके नीचे रख दिया। ये उसी तरह से है जैसे कि हम कट करके पेस्ट करते हैं। तो कट पेस्ट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप कट कंट्रोल एक्स का यूज़ करें, या फिर सेलेक्ट करके उसे ड्रैग करके कहीं पे भी जहाँ पर आपको उसको रखना है वहाँ पर लेफ्ट कर दें। सो इस तरह से आप कट और पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब अगर सपोज़ हम अपने इस वर्ड फाइल में लास्ट में जाएं, तो यहाँ पर लिखा है द स्टोरी ऑफ अ बॉय इन जंगल। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाले लाइन हमारे स्टोरी के टाइटल के जस्ट नीचे आ जाए। तो अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं इसे यहाँ से ड्रैग करके धीरे धीरे ऊपर लेके जाऊँ, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं है,
तो अब हम इस यहाँ पर यूज़ करते हैं कॉपी और पेस्ट। तो क्योंकि हमें ये पूरी लाइन लेके जाना है, मैं बाहर सिंगल क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर हमारे पास कॉपी का ऑप्शन है। जैसे ही मैं अपने माउस पॉइंटर को कॉपी के ऊपर लेके जाता हूँ, वहाँ पर आ जाता है पुट अ कॉपी ऑफ द सिलेक्शन ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। और यहाँ पर उसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी दिखाता है कंट्रोल सी। तो मैं कीबोर्ड से यूज़ करता हूँ कंट्रोल सी। और अब वापस मैं स्क्रॉल करके अपने पेज के टॉप में जाता हूँ। अब मुझे इस स्टोरी के नीचे उसको पेस्ट करना था, तो मैं यहाँ पर एक एंटर प्रेस करता हूँ। और जैसे कि हमने देखा था कट के अंदर हमने जिस तरह से पेस्ट किया था, उसी तरह से इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही पेस्ट करता हूँ तो वापस से हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल ऑप्शन है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस भी ऐड हो गया, उसको रिमूव करने के लिए या तो बैक स्पेस या डिलीट बटन को यूज़ करेंगे तो हमारा जो भी कॉपी किया हुआ सेक्शन था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। सो इस तरह से हम अपने किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी वर्ड को कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, कॉपी और पेस्ट एक ऐसी फंक्शनलिटी है जो आप सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं यूज़ करने वाले हैं। अगर हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल है और उसके अंदर हमें कुछ वर्ड्स रिप्लेस करना है, हो सकता है कि पहले वहाँ पर कुछ और लिखा गया हो, तो उसको इजीली चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं इस सेशन में। जब कभी भी ऐसा कोई भी चीज़ आती है तो आप यूज़ करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। अपने रिबन सेक्शन में जब आप होम टैब के अंदर हैं तो आप अपने राइट साइड में देखिए, आपको एक जगह दिखेगी फाइंड। जब मैं फाइंड के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो वहाँ पर वो बताता है कि फाइंड टेक्स्ट और अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट, और उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल एफ। जैसे ही मैं इसके पास वाले एरो पे क्लिक करता हूँ, हमें तीन और चीज़ दिखती है। एक है फाइंड जो अभी हमने देखा, उसके बाद आता है एडवांस्ड फाइंड। अब एडवांस्ड फाइंड क्या होता है, तो वो फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट यूजिंग एडवांस सर्च ऑप्शन। जब भी कभी आपको कोई एडवांस सर्च करना है, जैसे कि आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर्स को मैच कराना है, कोई स्पेशल फॉन्ट्स को मैच कराना है, या कोई भी एक स्पेशल चीज़ को मैच कराना है, तब आप यूज़ करते हैं एडवांस्ड फाइंड। उसके बाद अगर आपको कहीं पे भी फास्टर स्क्रोलिंग करना है या अगर आपको कहीं पे भी जंप करना है तो आप यूज़ करते हैं गो टू। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल जी। जैसे ही आप कंट्रोल जी करेंगे तो वो आपको पूछता है कि आपको किस जगह पे जाना है। सपोज़ हम डायरेक्ट चाहते हैं कि पेज नंबर 2 पे चले जाएँ, 2 डालिए, एंटर करिए, वो डायरेक्ट आपको पेज 2 पे लेके आ जाता है। तो इस तरह से आप गो टू को यूज़ कर सकते हैं। पर अभी हमको बात थी फाइंड की, तो हम क्या चाहते हैं, हम वापस से अपने स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर जो शेर खान की स्पेलिंग है वो है SHER, शेर। मैं इसे चेंज करके करना चाहता हूँ SHER। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हर जगह पर शेर खान यूज़ हो रहा है और ये मल्टीपल जगहों पर है। अगर मैं इसे मैन्युअली करने जाऊँ तो मुझे एक एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा। इसका इजीएस्ट ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। आप देख सकते हो अपने होम टैब के अंदर सबसे राइट मोस्ट में फाइंड के जस्ट नीचे है रिप्लेस। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल एच। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो ये वही फाइंड और रिप्लेस वाली विंडो खोलता है। अगर आपने रिसेंटली कोई वर्ड या कोई सेंटेंस को सर्च किया है तो वो यहाँ पर डायरेक्ट शो होगा, या फिर इस एरो के अंदर आपकी जो भी फाइंड की हिस्ट्री है वो रहेगी। मैं चाहता हूँ कि ये जो भी कैपिटल SHER लिखा हुआ है उसे फाइंड करें और रिप्लेस करें। नीचे मूव करने के लिए कीबोर्ड के अंदर आप टैब यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने माउस से जाकर यहाँ पर रिप्लेस विद के टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। अब मुझे इसे रिप्लेस कराना है SHER, शेर से। तो यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल। अभी हम देखते हैं कि ये कहाँ पर आ रहा है।
तो मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पर आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा कर्सर जो था वो इस पैराग्राफ के बाद में था। अगर मैं अपने कर्सर को टॉप पे लेके जाता हूँ और फिर फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला वाला वर्ड आया। मुझे इसे रिप्लेस कराना है, तो मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं रिप्लेस करता हूँ तो सेकंड वो वाला वर्ड सेलेक्ट होता है जो इस तरह की स्पेलिंग लेके है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बट के बाद जो शेर है वो SHER ही है, हमें इसे भी रिप्लेस करना है। तीसरा, फिर से वो वही जगह दिखाता है जहाँ पर भी वो गलत स्पेलिंग है। तो बार बार रिप्लेस करने से अच्छा है कि मैं एक बार में ही रिप्लेस ऑल कर दूँ। जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है ऑल डन, वी मेड 3 replacements। तो इसने क्या किया, जहाँ जहाँ पर भी वो SHERE वाली स्पेलिंग थी उसे रिप्लेस करके SHER से रिप्लेस कर दिया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। यहाँ पर हमने सारी स्पेलिंग्स को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर हमने सारी जो भी गलत स्पेलिंग थी उसको SHER वाली स्पेलिंग से रिप्लेस कर दिया। अब हम इसको बंद कर देते हैं, एक बार सिर्फ फाइंड करके देखते हैं कि जो SHERE था वो है या नहीं। तो SHERE, जैसे ही मैं ये लिख के एंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं कोई भी मैच नहीं आ रहा है। अब हमने जो नई स्पेलिंग बनाई थी क्या वो यहाँ पर आई है? तो SHER करके जैसे ही मैं एंटर भी प्रेस नहीं करता हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो आप देख सकते हैं वर्ड के अंदर वो जगह हाईलाइटेड आ रही है। जहाँ जहाँ पे हमने इंसर्ट किया था वो वर्ड, वहाँ पर वो वर्ड आ गया। तो इस तरह से आप जो कुछ भी फाइंड करते हैं वो आपको इस तरह से दिखता है। अगर आप इसमें से जो भी जगह को सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसके रिस्पेक्टिव लोकेशन पर लेके चले जाएगा, चाहे वो किसी भी पेज में हो। आप जब भी माउस ओवर उसके ऊपर करते हैं तो आपको उसका पेज नंबर भी यहाँ पर शो करता है। तो इस तरह से आप फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अभी मुझे देखना है कि टाइगर कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, तो जैसे ही मैं टाइगर लिखता हूँ, आप देख सकते हैं कि इतनी जगहों पर टाइगर लिखा हुआ है। अगर मैं किसी भी एक पे जाकर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे उस जगह का टाइगर दिखा देता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब जो है वो येलो है और इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज है, क्योंकि ये हमारे लेफ़्ट सेक्शन में सेलेक्टेड है। सो इस तरह से हम फाइंड और रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप अपने वर्ड फाइल पे वर्क कर रहे थे, आपको करना कुछ और था और गलती से कुछ और हो गया, इंटेंशनली नहीं था पर कुछ कीबोर्ड में कुछ गलत कीज़ के प्रेस हो जाने से हो गया। अब आप चाहते हैं कि वो चीज़ वापस से अंडू हो जाए, तो वो हम किस तरह से करते हैं हम देखते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं चाहता था कि ये मोगली स्टोरी जो टाइटल है वो मैं कर देता हूँ द मोगली स्टोरी और उसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो जैसे कि हमने देखा था, हम अपने लेफ़्ट मार्जिन में सिंगल क्लिक करते हैं तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। अब मुझे लिखना था द मोगली स्टोरी, तो मैं इसका कलर चेंज करके द मोगली स्टोरी लिखता हूँ, पर गलती से मेरे कीबोर्ड पर बैकस्पेस प्रेस हो जाता है। अब जो मेरा टाइटल था वो लॉस हो गया। अब वापस से मुझे उसे टाइप करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी इस तरह से कुछ हो जाता है तो आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार में देख सकते हैं, जो हमारे पास सेकंड आइकन है वो है अंडू। जैसे ही मैं उसके ऊपर होवर करता हूँ तो वो मुझे मेरी लास्ट एक्शन वापस से दिखाता है, अंडू टाइपिंग, क्योंकि मुझसे स्पेस बार प्रेस हो गया था तो उसने मुझे दिखाया कि लास्ट एक्शन जो थी वो टाइपिंग थी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा टाइटल वापस से आ गया। अब थोड़ा कुछ और चेंज करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ द मोगली स्टोरी और मोगली का कलर चेंज कर देता हूँ, सपोज़ क्योंकि मोगली की स्टोरी है तो ग्रीन कलर, और इस पूरे को मैं कर देता हूँ अंडरलाइन। ये सारी चीज़ें हम अपने फॉर्मेटिंग वाले सेक्शन में फिर से देखेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पूरे टाइटल को अलग तरीके से फॉर्मेट कर दिया। अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है,
मैं चाहता हूँ कि पहले जैसा ही चाह वैसे ही रहे। तो अब मुझे इतनी सारी स्टेप्स थी, आपको याद होगा पहले हमने द लिखा, फिर मोगली का कलर चेंज किया और फिर अंडरलाइन किया। अब मैं चाहता हूँ कि वापस से उसी तरह से हो जाए, तो कितनी बार मैं अपने आइकन में जाकर अंडू अंडू पर क्लिक करूँगा। उसके बजाय हम अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल जेड को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल जेड करता हूँ कीबोर्ड से, आप देख सकते हो अंडरलाइन निकल गया। जैसे ही वापस कंट्रोल जेड करूँगा तो ग्रीन कलर चेंज हो गया, और वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ तो वह द भी चले गया। मैंने इतना सारा अंडू किया, अब मैं चाहता हूँ कि वापस से ये आ जाए। जो मैंने अंडू किया उसको भी अंडू करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास अंडू के जस्ट पास में एक और ऑप्शन अवेलेबल है, रीडू। तो रीडू भी उसी तरह से वर्क करता है, जैसे कि आप देख सकते हो वो मुझे मेरी नेक्स्ट एक्शन जो रीडू होगी वो बताता है। तो मैं जैसे उसे प्रेस करता हूँ, द मोगली आ गया, कलर भी चेंज हो गया। वापस से प्रेस करता हूँ, अंडरलाइन आ गया। और अब आप देख सकते हो रीडू का ऑप्शन चेंज हो गया, अब वो एक सर्कुलर एरो में कन्वर्ट हो गया है। मतलब अब मैं इससे आगे जाके रीडू नहीं कर सकता, नहीं तो वो वापस से साइकिल रिपीट करेगा। तो अभी इन दोनों के पास में एक एक एरो भी है। हम देखते हैं कि अंडू के पास में जो एरो है वो ये बताता है कि हमारी जो भी एक्शंस हैं वो किस तरह से परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, जैसे कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था हमने किस तरह से रिप्लेस किया था। उसके बाद मैंने द टाइप किया, फिर टेक्स्ट का फिल इफेक्ट चेंज किया था और फिर अंडरलाइन किया था। तो अगर मैं चाहता हूँ कि द जहाँ तक मैंने टाइप किया था वो वहाँ तक अंडू हो जाए, तो मैं जैसे ही उसे सेलेक्ट करूँगा, आप देख सकते हो सारी स्टेप्स अपने आप अंडू हो गई और वापस मेरा वैसा ही टाइटल आ गया जैसा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में था। ये अंडू के पास में जो भी एरो है, हम जैसे ही उसे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर सीरीज़ ऑफ एक्शंस मिल जाती है। हम किसी भी एक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं बट इन अ सिक्वेंस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रिप्लेस ऑल और उसके बाद टाइपिंग शेर खान, ये नहीं हो पाएगा। आपको उसे पर्टिकुलर कंजिक्यूटिव एक्शंस को ही सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से उस जगह तक की एक्शंस को अंडू कर देगा। अब बात करते हैं कुछ फॉन्ट्स के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास एक वर्ड फाइल है जिसके अंदर कुछ अलग अलग फॉन्ट्स हैं और सेंटेंस एक ही है। तो फ्रेंड्स, फॉन्ट्स होता क्या है? फॉन्ट्स जिसके अंदर नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, सिम्बॉल्स और कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स जैसे कि एट द रेट, रुपीज़ का सिम्बॉल, कॉपीराइट, स्माइलीज, ये सारे सिम्बॉल्स को मिला के कोई एक फॉन्ट बनता है। आपने देखा होगा कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग तरह के फॉन्ट्स को यूज़ किया जाता है। तो ये फॉन्ट्स को यूज़ हम क्यों करते हैं? दरअसल ये फॉन्ट्स को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर जब भी कभी हमें कोई भी चीज़ को हाईलाइट करना हो या फिर किसी हेडिंग को अच्छे से दिखाना हो, या अगर सपोज़ आप कोई एक प्रोफेशनल लेटर फ्रेम कर रहे हैं तो उसमें हेडिंग टाइटल किस तरह से रखना है, उसके लिए हम फॉन्ट्स यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर अगर हम किसी भी वर्ड के बीच में जाके कर्सर को क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर उसके फॉन्ट दिखते हैं। आप अपने रिबन सेक्शन के होम टैब में जब जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन है फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कैलिबरी है, ये बोल्ड है और इसका फॉन्ट साइज 16 है। इसके अंदर हमारे पास और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सपोज़ जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये वाला फॉन्ट इस फॉन्ट से अलग है, तो जैसे ही आप किसी लाइन पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक अल्जेरियन फॉन्ट है। ऐसे ही अगर मैं नीचे क्लिक करूँ तो ये एक एरियल ब्लैक है, ये बैरन फॉन्ट है। तो इस तरह से अलग अलग फॉन्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर वर्ड का फॉन्ट चेंज करना है और वो अगर आपका एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर है तो आप सिंपल उसे सिर्फ सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के लिए या तो 3 टाइम्स क्लिक ऑन द वर्ड या फिर बाहर जाके
मार्जिन पे एक बार क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन को सेलेक्ट करता है। फिर जहाँ पर भी फॉन्ट का नाम आ रहा था वहाँ पर जाके हम उस एरो पे क्लिक करेंगे जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट F। जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स आ जाते हैं। ये लिस्ट आपके अंदर आने वाली लिस्ट से अलग हो सकती है बिकॉज ये सारे वो फॉन्ट्स हैं जो मैंने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किए हैं ड्यूरिंग दिस रिकॉर्डिंग। सो जब भी कभी आप किसी भी फॉन्ट के ऊपर होवर करते हैं तो वो फॉन्ट का प्रीव्यू आपको अपने डॉक्यूमेंट में दिखता है। फिर आपको जो भी फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं आप वो अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसे एरियल ब्लैक दे देता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे फॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जितना भी आपको फॉन्ट रखना है वो या तो आप इस ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर लीजिए या मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, सपोज़ 20। तो ये वाला जो फॉन्ट है ये एरियल ब्लैक है और क्योंकि ये सेलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड सेलेक्टेड है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक बोल्ड फॉन्ट है। अगर मैं इस क्विक पे जाके बोल्ड प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अनबोल्ड हो गया। तो जो भी बोल्ड फॉन्ट है और अनबोल्ड फॉन्ट है उसमें इजीली आप डिफरेंस देख सकते हो। ऐसे ही हमारे पास कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि मुझे अगर इसको अंडरलाइन करना है तो मैं उस वर्ड को सिलेक्ट करके अंडरलाइन प्रेस कर सकता हूँ। हमारे पास कीबोर्ड के अंदर इसका भी एक शॉर्टकट ऑप्शन अवेलेबल है Ctrl+U। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये जंप को फॉन्ट साइज़ दिया हुआ है 72। कैसे देखेंगे, क्लिक कीजिए, यहाँ पर उसका फॉन्ट साइज़ है 72। 72 मतलब कि ये हमारे फॉन्ट्स के 1 इंच के बराबर होता है। तो जब भी अगर फॉन्ट साइज़ 72 है या जब भी आपको 1 इंच का फॉन्ट चाहिए तो आप 72 यूज़ कर सकते हैं। आधा इंच चाहिए तो आप 36 दे सकते हैं। ये एक जनरल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। अगर आपको जिस भी तरह से फॉन्ट साइज़ एडजस्ट करना है इंच में या पॉइंट्स में तो आप उसे कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगर स्क्रॉल करूं और मैं अपने लास्ट सेंटेंस को देखूं तो आप देख सकते हैं द क्विक और ब्राउन तीनों कुछ अलग अलग से दिख रहे हैं जबकि फॉन्ट एक ही है। तो ये अलग क्यों दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं द के बीच में THE के बीच में जो स्पेस है वो नॉर्मल है, क्विक में सब कुछ बहुत पास पास है और ब्राउन में सब कुछ थोड़ा दूर दूर है। तो ये कैसे होता है, तो हमारे फॉन्ट सेक्शन में यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है। जैसे ही मैं इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आइकन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरह का फॉन्ट है, उसकी फॉन्ट स्टाइल क्या है, क्या वो बोल्ड है, रेगुलर है, इटैलिक है, उसकी साइज़ एंड उसका प्रीव्यू। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर एडवांस। एडवांस टैब के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर है उसका स्केल, मतलब वो 100% है, और यहाँ पर है स्पेसिंग। तो आप देख सकते हो ब्राउन के बीच में जो स्पेसिंग है वो है एक्सपैंडेड, इसलिए वो दूर दूर दिख रहा है। इस एरो पे क्लिक करके देखते हैं कि आखिर क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, नॉर्मल, एक्सपांडेड और कंडेंस्ड। नॉर्मल अगर हम इस पे करते हैं तो ये नॉर्मल जिस तरह से फॉन्ट के बीच में स्पेस है उसी तरह से दिखेगा। अगर मैं इसे कंडेंस्ड कर देता हूँ तो सारी चीज़ें पास पास आ जाएंगी, और अगर मैं इसे एक्सपांडेड करता हूँ तो लेटर्स के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। तो हम इसे नॉर्मल करते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हो द और ब्राउन के बीच में जो भी स्पेसिंग है वो इक्वल स्पेसिंग है। इसी तरह से आप अपने फॉन्ट्स के अंदर और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि फॉन्ट्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, डबल स्ट्राइक थ्रू, और यहाँ पर एक और चीज़ है, आप देख सकते हैं नीचे ओके के लेफ्ट में एक बटन है टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। आप यहां से टेक्स्ट इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, टेक्स्ट फिल, किस तरह का फिल हमें देना है, अभी सॉलिड फिल है उसका कलर ये है, ट्रांसपेरेंसी उसकी कितनी है, अभी हमने कुछ भी उसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया है, या टेक्स्ट आउटलाइन कैसी देना है, सॉलिड लाइन देना है या उसका कलर किस तरह से होगा वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है टेक्स्ट इफेक्ट, अभी यहाँ पर कोई भी शेडो नहीं दी गई है,
सपोज अगर मैं इसे कोई एक शेडो दे देता हूँ, सपोज ये फर्स्ट वाली, और ओके कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं, आप देख सकते हैं इस क्विक ब्राउन के बीच में क्विक सबसे अलग दिख रहा है। इसको देखने के लिए मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो हम देख सकते हैं इस क्विक के पीछे एक शेडो गिर रही है। तो ये शेडो हमने यहाँ से अपने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से किया। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी। आप किसी भी वर्ड के ऊपर रखिए और कंट्रोल डी कीबोर्ड से प्रेस करिए, वही डायलॉग बॉक्स वापस से ओपन अप हो जाता है। सो ये इस तरह से आप अपने फॉन्ट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। फॉन्ट्स के बारे में अभी डिटेल में हम और इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं फॉन्ट्स किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब भी कभी आपके पास कोई एक वर्ड डॉक्यूमेंट होता है तो आपका काफ़ी सारा इम्प्रेशन उस वर्ड डॉक्यूमेंट से पता चलता है। और जैसा कि आपने सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका वर्ड डॉक्यूमेंट कोई एक प्रोफेशनल लेटर है या कोई एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है और उसमें चीज़ें ठीक तरह से फॉर्मेटेड नहीं हैं या आपने फॉन्ट्स बराबर यूज़ नहीं किए हैं, तो वो आपका एक बहुत बैड इम्प्रेशन पुटअप करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम मोगली की स्टोरी यूज़ कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पहला पैराग्राफ कितने गलत तरीके से फॉर्मेट किया हुआ है और यहाँ पर फॉन्ट्स भी कुछ अलग तरीके से यूज़ किए हैं। मैं चाहता हूँ कि अब ये एक प्रॉपर फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट हो, तो हम इसका फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं वो हम देखते हैं। जैसा कि हमने देखा है, जैसे ही हम मार्जिन में जाके क्लिक करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट कर लेता है। जैसे ही वो लाइन सेलेक्ट होती है तो आप देख सकते हैं पॉपअप में हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये ऑप्शंस बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर, और मैं जैसे ही उसके ऊपर से माउस ओवर हटाता हूँ वो वहाँ से निकल जाता है। अगर अब मैं वापस माउस इस पर लेके आता हूँ तो वो आइकन्स यहाँ पर नहीं हैं। टेंशन करने की कोई बात नहीं है, वो सारे आइकन्स हम ईज़िली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इस मोगली स्टोरी का फॉन्ट चेंज करके कुछ दूसरा अच्छा फॉन्ट देना है जिससे इसमें एक स्टोरी वाला फील आए, तो मैं इसको उस तरह से फॉन्ट दे सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो भी फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं। तो आप देख सकते हैं ए, बी और उसके बाद सी एंड डी एंड सो ऑन। तो आपको जिस भी तरह का फॉन्ट अच्छा लगता है, जैसे अभी मैं इसके लिए कॉमिक सेंस यूज़ करता हूँ, तो इस तरह का फॉन्ट यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा बोल्ड होना चाहिए तो मैं इस पर बोल्ड कर सकता हूँ। बोल्ड करने के लिए कीबोर्ड के अंदर शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी, तो हम यहाँ से क्लिक करके भी बोल्ड कर सकते हैं और कंट्रोल बी का भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मैं इसे अनबोल्ड कर देता हूँ। अब हम जब इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो मोगली तो बोल्ड था और स्टोरी अनबोल्ड था, तो यहाँ पर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं आया, हमको नहीं पता चलता है कि ये बोल्ड है कि नहीं। अगर आप बोल्ड अप्लाई भी करते हो तो पहली बार में आप देखोगे कि सब कुछ अनबोल्ड हो गया। अब आपको पूरी लाइन वापस से बोल्ड करना है तो आप वापस से इसे क्लिक कीजिए या अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल बी को यूज़ कीजिए। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा इटैलिक कर देता हूँ तो इटैलिक कर सकते हैं, हमको इटैलिक नहीं रखना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ अंडरलाइन ऑप्शंस हैं। इटैलिक के लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल आई, और अंडरलाइन के लिए हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल यू। जैसे ही मैं अंडरलाइन पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो हमारा जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट था उसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर दूसरी लाइन है जो है द स्टोरी ऑफ अ बॉय इन जंगल। इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ पर है 9, जो कि रीडेबल नहीं है। तो मैं इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस पॉसिबल हैं। जिस भी ऑप्शन के ऊपर मैं माउस होवर करता हूँ, मुझे उस साइज़ में वो फॉन्ट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर प्रीव्यू होता है। सपोज़ मैं इसे रखना चाहता हूँ 14, मैं इसे सेलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ। और अब हम इसको, जैसे कि हमने पहले देखा था, ये हमारा राइट अलाइनमेंट में है, अब हम इसे लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये शेर खान और ये जितना भी है
ये ओपन सेंस फॉन्ट है, आप डायलॉग बॉक्स में देख सकते हैं, यहाँ ओपन सेंस है। अगर हम यहाँ से क्लिक करके भी खोलेंगे तो भी उसी तरह के फॉन्ट्स खुलेंगे जिस तरह से हमने वहाँ किया था। यहाँ पर हमारे पास तीन कैटेगरीज में फॉन्ट्स आते हैं, ज़्यादा अच्छे से हम यहाँ से देख सकते हैं। हमारे पास एक होता है थीम फॉन्ट्स, दूसरा होता है रिसेंटली यूज्ड, और तीसरा होता है ऑल फॉन्ट्स। जो भी अभी हमने, जैसे कि अभी हमने कॉमिक सेंस अप्लाई किया था तो वो हमारे सबसे ऊपर है। थीम फॉन्ट्स का ये मतलब होता है कि आपके लिए हेडिंग और बॉडी, उसके लिए अलग अलग फॉन्ट्स यहाँ पर डिसाइडेड है। अगर आप थीम चेंज करेंगे तो फॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो पूरा पैराग्राफ है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं कैलिब्री फॉन्ट में। तो आप कैलिब्री बॉडी यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे बी के बाद सी, सी में भी यहाँ पर हमारे पास कैलिब्री फॉन्ट्स है। तो जैसे उसके क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसका फॉन्ट साइज है 13.5। अभी 13.5 इस लिस्ट में तो है नहीं, तो कैसे आया होगा? तो आप इस ड्रॉप डाउन में से भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके टाइप भी कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं इसका फॉन्ट साइज दे देता हूँ 13। तो इस तरह से आप अपने किसी भी फॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये, सपोज़ अगर ये आपके किसी एक लेटर का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता तो हम इसे बोल्ड करा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि स्ट्राइक थ्रू। अगर आप स्ट्राइक थ्रू सेलेक्ट करते हैं तो वो वर्ड के ऊपर एक लाइन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि कभी कभी आप अपने डॉक्यूमेंट में H2O लिख रहे हो, तो H2O में 2 जो है वो उसका सबस्क्रिप्ट बनेगा। ऐसे ही अगर आप कोई फार्मूला लिख रहे हो, जो सपोज़ πr² स्क्वायर या कुछ ऐसा, तो स्क्वायर का सिंबल बनाने के लिए आपको सुपरस्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। जब भी हम इन किसी आइकन्स के ऊपर होवर करते हैं तो हमें उसका शॉर्टकट मिल जाता है। जैसे कि अगर किसी को आपको सबस्क्रिप्ट बनाना है तो आपको कंट्रोल के साथ इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका कोई टेक्स्ट या कोई वर्ड सेलेक्टेड है, उसके बाद आपको उसका फॉन्ट इंक्रीज़ करना है, तो उसको आप यहाँ से क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट साइज़ के जस्ट पास वाले एरो से फॉन्ट बड़े होते जाते हैं और उसी के जस्ट पास से फॉन्ट छोटे होते जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करते हो, फॉन्ट एक से बड़ा होता है, लेस देन करते हो तो वो एक से छोटा हो जाता है। याद रखिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर मुझे इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, यहाँ पर हमारे पास कुछ है थीम कलर्स और दूसरे हैं कुछ स्टैंडर्ड कलर्स। जैसे ही मैं किसी कलर के ऊपर माउस को लेके जाता हूँ तो उसका इफ़ेक्ट मुझे अपने इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर दिखता है। मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। थीम कलर का सबसे बेसिक फ़ायदा यही होता है कि अगर आप थीम चेंज करते हो तो आप कलर भी इजीली चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मोर कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर आपको अपना खुद का कुछ स्टैंडर्ड हो या कस्टम कलर चाहिए तो आप उसे यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है टेक्स्ट हाइलाइटर। अभी सपोज़ अगर मुझे चाहिए कि मैं इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं हाइलाइटर यूज़ कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये येलो कलर में आता है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर को सेलेक्ट करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार आपने हाइलाइटर चूज़ कर लिया तो आप उसे जहाँ जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि जब भी कभी आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं और आपको उसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है तो आप उसको कर सकते हैं। वापस से इसको डिसलेक्ट करने के लिए वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, वो डिसलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पर आप किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को, सपोज़ मैं इस मोगली स्टोरी को बी के लिए राइट अलाइन कर देता हूँ ताकि आप इफ़ेक्ट्स ईजीली देख पाएँ। मैं जैसे ही किसी भी चीज़ के ऊपर होवर करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरा टाइटल उस तरह से चेंज होता है। अगर हमको 3D चाहिए, 2D चाहिए या कलर कॉम्बिनेशन का कुछ चाहिए, हॉलो चाहिए, उस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को किसी भी तरह से रख सकते हैं।
साथ ही हम यहाँ पर उस टेक्स्ट की आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो को भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के फॉन्ट्स के ऊपर वर्क कर सकते हो। अभी हमने देखा कि हम किस तरह से फॉन्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। अब हम फॉन्ट की कीज के बारे में बात करते हैं। कीज, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइजेशन, स्मॉल लेटर्स, आप अलग अलग तरीके से इसको बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट लाइन में एक टाइटल है, अ स्टोरी ऑफ एडवेंचर एंड नेचर। मुझे चाहिए कि ये पूरा कैपिटल में आ जाए या अपर केस में आ जाए। तो मेरे पास एक तरीका है कि या तो मैं इसे सेलेक्ट करके वापस से पूरा टाइप करूं इन कैपिटल, नहीं कंट्रोल जेड। दूसरा मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन जो कि वर्ड में अवेलेबल है वो ये है कि मैं यहाँ पर ऊपर देख सकता हूँ एक ए और एक स्मॉल ए लिखा हुआ है। जैसे ही हम अपने रिबन सेक्शन के होम टैब में और उसके फॉन्ट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक चेंज केस का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही मैं अपना माउस कर्सर इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है चेंज द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशंस। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सेंटेंस केस, दूसरा ऑप्शन है लोअर केस, तीसरा है अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। अभी मुझे इसे अपर केस में, क्योंकि हमने जैसे अभी डिसाइड किया था कि मैं चाहता हूँ ये पूरा अपर केस में आना चाहिए, तो हम अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ईजिली पूरा जो वर्ड था या पूरा जो भी सेंटेंस सेलेक्टेड था वो कैपिटल लेटर्स में आ गया है। मैं चाहता हूँ कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो आप देख सकते हो ए, एस, ओ, एडवेंचर का ए, एन का ए, नेचर का एन। सो जो भी वर्ड्स थे उसका पहला लेटर कैपिटल हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे मैं चाहता हूँ ये पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए तो वो लोअर केस में आ गया। इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस केस होता है तो उस तरह से यहाँ पर पूरा सेंटेंस केस में एडजस्ट हो सकता है। और एक होता है टॉगल केस, टॉगल केस मतलब कि पहला स्मॉल बाकी सारे कैपिटल। सो ये नया फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के अंदर। तो यहाँ से आप अपना जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका केस मेंटेन कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि हम किस तरह से अपने फॉन्ट्स के साइज को या फॉन्ट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो कि हमारे फॉन्ट में होते हैं उनके बारे में देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट में एक सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शंस। यहाँ हम इस लाइन के साथ क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करके इसका कोई फॉन्ट, ऐसा फॉन्ट दे देता हूँ जो थोड़ा ब्रॉड हो। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं एरियल ब्लैक और मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के कर देता हूँ 26, सो दैट ईजिली विजिबल हो। अब हम अपने रिबन सेक्शन के होम टैब के फॉन्ट वाले सेक्शन में हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल आइकन है जिसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट या टाइपोग्राफी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इनबिल्ट प्रीसेट्स है जिसमें किसी में रिफ्लेक्शन है, किसी में ग्लो है, कोई 3D के अंदर है। इनमें से अगर आपको कोई भी अच्छा लगता है तो आप उसे सिंपल क्लिक करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर चेंज करके ब्लू कर दीजिए तो ये थोड़ा कुछ 3D जैसा हो गया। अगर आपको इसे वापस से कुछ और प्रीसेट देना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको खुद का मैनुअल प्रीसेट भी बनाना है, सपोज़ कि अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट है, अगर आपको इसका अपना खुद का प्रीसेट बनाना है तो वापस से हम जाएंगे अपने टेक्स्ट इफेक्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हमारे पास है सपोज़ अगर मुझे इसकी आउटलाइन देना है तो मैं इसकी आउटलाइन कर देता हूँ अगर रेड। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट के बाहर एक रेड आउटलाइन आ जाती है। अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप उसको नो आउटलाइन कर दीजिए। अगर आपको अपनी आउटलाइन की विड्थ बढ़ा देना है, अभी के लिए ये ब्लैक सेलेक्टेड है, मैं जैसे जैसे विड्थ इंक्रीज करते जाता हूँ
आप देख सकते हो कि फॉन्ट के जो बाहर की जो आउटलाइन है उसकी विड्थ इंक्रीज होते जाती है। सपोज हमने रेड सेलेक्ट किया, वापस जाते हैं आउटलाइन में और अब विड्थ बढ़ा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम अपने टेक्स्ट की आउटलाइन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है शेडो, तो मैं यहाँ पर अभी कुछ शेडो अप्लाई करके देखता हूँ। यहाँ पर शेडो के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है आउटर शेडो, दूसरा है इनर शेडो और तीसरा है पर्सपेक्टिव। अभी आउटर शेडो के अंदर से सपोज हम इस ऑफसेट राइट आप किसी भी शेडो के ऊपर लेके जाओगे तो आपको वो उसका नाम दिखा देगा। सपोज अभी के लिए हम ऑफसेट राइट वाली शेडो को यूज़ करते हैं, अभी आपको इसमें कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा होगा। हम वापस से अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और अगर हमको ये शेडो नहीं अच्छी लगी तो हम इनमें से किसी भी शेडो को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा शेडो ऑप्शंस के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है शेडो ऑप्शंस। जैसे ही मैं शेडो ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं राइट साइड में एक पैनल ओपन हो जाता है। ये हमारे शेडो का किस तरह का प्रीसेट सेलेक्टेड है वो बताता है। उसके बाद अगर आपको अपने शेडो को कस्टमाइजेशन करना है तो आप देख सकते हैं जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में हमारा टेक्स्ट का इफ़ेक्ट चेंज होता है। ऐसे ही मैं शेडो की साइज़ बढ़ा सकता हूँ, जैसे हम साइज़ बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हो कि उसके हिसाब से हमारा जो भी टेक्स्ट था वो सब कुछ चेंज होता है। सेम वे में ब्लर को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको किस तरह से ब्लर दिखाना है, किस तरह का एंगल आपको अपनी शेडो के लिए यूज़ करना है और किसे डिस्टेंस रखना है। तो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो किसी भी प्रीसेट को और आप अपना खुद का नया प्रीसेट भी बना सकते हो। अब अगर मैं शेडो के पास में दिखने वाले इस छोटे से एरो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे वही वाले सारे ऑप्शंस हैं जो हमें यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट आइकन में दिखते हैं, आउटलाइन शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर स्टाइल, वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर मैं रिफ्लेक्शन में जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई एक रिफ्लेक्शन सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया। आप उसको यहाँ से भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आपको कितना ग्लो, कितना साइज़, कितना ब्लर और कितना डिस्टेंस देना है वो सब कुछ भी। सेम वे में आप अपना ग्लो भी एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज़ अभी मुझे ये आउटलाइन नहीं अच्छी लगती तो मैं यहाँ से जाता हूँ, आउटलाइन सेलेक्ट करता हूँ और नो आउटलाइन कर देता हूँ। अभी मुझे रिफ्लेक्शन में से भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं रखना है तो हम इसे कर देते हैं नो रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है 3D। अगर आपको इसको एक 3D फील देना है तो हम यहाँ से उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं किस तरह का बेवल आपको रखना है, सर्कुलर, एंगुलर या फिर डिवोट, आप किसी भी एक को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अभी कंटूर कलर है सपोज़ ब्लैक, तो हम उसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं और कर देते हैं ग्रे। जो भी मटेरियल यहाँ पर यूज़ हो रहा है उसको कर देते हैं सॉलिड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक 3D इफ़ेक्ट दे रहा है, आपका टेक्स्ट थोड़ा पेज के ऊपर उठा हुआ दिखता है। ऐसे ही अभी हमने सेट किया था टॉप बेवल को, अगर हम बॉटल बेवल को भी सेम दे देते हैं तो वो भी कुछ इस तरह से ही दिखेगा। सो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के अंदर किसी भी तरह का प्रीसेट या तो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का कस्टमाइजेशन प्रीसेट भी बना सकते हैं।